नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोफेन डीएक्स सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कोफेन डीएक्स सिरप को कैसे लेना चाहिए और कोफेन डीएक्स सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कोफेन डीएक्स सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोफेन डीएक्स सिरप का उपयोग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए कोफेन डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोफेन डीएक्स सिरप सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंद होना आदि लक्षण सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कोफेन डीएक्स सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कोफेन डीएक्स सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना या दस्त होना, भूख कम लगना, छाती में जलन होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स कोफेन डीएक्स सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोफेन डीएक्स सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। कोफेन डीएक्स सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को डॉक्टर 1 मिलीलीटर कोफेन डीएक्स सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर कोफेन डीएक्स सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर कोफेन डीएक्स सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर कोफेन डीएक्स सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कोफेन डीएक्स सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको कोफेन डीएक्स सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोफेन डीएक्स सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कोफेन डीएक्स सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। कोफेन डीएक्स सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोफेन डीएक्स सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। कोफेन डीएक्स सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोफेन डीएक्स सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर, डायबिटीज कंट्रोल में न होने पर और पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर कोफेन डीएक्स सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना कोफेन डीएक्स सिरप को नहीं लेना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक कोफेन डीएक्स सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको कोफेन डीएक्स सिरप को लेते हुए 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। अगर किसी व्यक्ति को कोफेन डीएक्स सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को कोफेन डीएक्स सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कोफेन डीएक्स सिरप का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। कोफेन डीएक्स सिरप मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में कोफेन डीएक्स सिरप मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में
साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोफेन डीएक्स सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोफेन डीएक्स सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।